इंडिया के लिए कितनी खुशखबरी की बात है कि आज उन्होंने बड़े कहले के एक जोशो खरोश के साथ एप्पल स्टोर की इफ्तिताह की है मुंबई के अंदर। और सर आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि हम देखें तो चाइना से शिफ्ट होती जा रही है बहुत सी कंपनीज जो कि इंडिया को टारगेट कर रही है, इंडिया पर ट्रस्ट कर रही है। ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान भी अवेल कर सकता था। हमारी जो गवर्नमेंट है इस टेक्नोलॉजी को इतना फैसिलिटेट नहीं कर रही। हमारा मेजॉरिटी जो नौजवान है आईटी वो बेहतरीन तरीके से जानता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ आईबी। स्टूडेंट है आप। चलिए मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करें तो इंडिया के लिए कितनी खुशखबरी की बात है कि आज उन्होंने बड़े कहले के एक जोशो खरोश के साथ एप्पल स्टोर की इफ्तिताह की है मुंबई के अंदर और उनके लोग इतने खुश नजर आ रहे हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट, इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो चुकी है और थर्सडे को दिल्ली में ओपन होगा ये स्टोर। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया दिन ब दिन कैसे आगे बढ़ता जा रहा है? इंडिया रात दिगनी और दिन चुगनी जिसे कहते हैं ना, वो तरक्की कर रहा है, ठीक है। और अभी आज मुंबई में ओपन हुआ एप्पल स्टोर, ठीक है ना, अभी थोड़े दिन तक दिल्ली में हो जाएगा। तो बेसिकली बात ये है कि इंडिया एक सुपर पावर बन के उभर रहा है, ठीक है ना, देखा जा रहा है आने वाले वक्त में, ठीक है ना, एक बहुत बड़ी पावर बन रहा है इंडिया, ठीक है ना। और बात ये है कि उधर तो ओपन होना ही है क्योंकि एप्पल ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से इंडिया शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। इंडिया में चीप लेबर मिल रही है, ठीक है ना, उनको टैक्स कम देना पड़ रहा है, ठीक है ना। और अगर वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग उधर कर रहे हैं तो वो उधर लाजमी बात है कि उधर वो करेंगे अपनी फ्रेंचाइज भी ओपन करेंगे, ठीक है ना। तो जिस तरह भी ये पीछे एलोन मस्क थे, वो भी इंडिया में टेस्ला को बेचना चाह रहे थे क्योंकि इंडिया में मार्केट बहुत बड़ी है ना, ठीक है ना। तो अभी वो अपनी टाटा को प्रमोट कर रहे हैं, उन्होंने 100% टैक्स लगा दिया उसके। तो इसी तरह अभी देखें हम पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, ठीक है ना, जो इंटरनेशनल जो थी इंडस्ट्रीज जो पहले से थी वो भी बंद हो गई हैं। क्यों? गवर्नमेंट टैक्स ही बहुत ले रही है, 31% टैक्स है पाकिस्तान में, ठीक है ना। और इकोनमी भी कोई स्टेबल नहीं है, ठीक है ना। जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, सिविल वॉर चल रही है, ठीक है ना, पाकिस्तान में अदलिया की कोई नहीं सुन रहा, ठीक है ना। सारे इख्तियार किसी और के पास हैं, गवर्नमेंट बराए नाम है, ठीक है ना, कभी आ रही है कभी गवर्नमेंट जा रही है, ठीक है ना। अभी आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ना, ठीक है ना, पंजाब यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, उसके बाद GC हो गई फैसलाबाद, ठीक है ना, 6-6 महीने हो गए हैं इनके वाइस चांसलर नहीं अपॉइंट हो सके गवर्नमेंट से, ठीक है ना। गवर्नमेंट अपने मसलों से निकलेगी, अपनी पॉलिटिक्स से निकलेगी तो कुछ करेगी ना। हमारी गवर्नमेंट तो कभी अपने मसलों से नहीं निकलेगी। और साथ में अगर बात की जाए तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसको तो फर्क भी नहीं पड़ता कि हमारी आवाम किधर जा रही है, बस जिधर जा रही है जाती जाए, गधों की तरह, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। उनकी आवाम देखें, उनकी आवाम को ट्रस्ट है अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट को ट्रस्ट है आवाम के ऊपर, सही डेमोक्रेसी नजर आई है। एंड जितने टीम को खुश नजर आ रहे थे आज इंडिया में अपना एप्पल स्टोर ओपन करके, आई थिंक सो उनको और कहीं इतनी खुशी नहीं मिली होगी क्योंकि काफ़ी महीनों से ये जो प्रोजेक्ट था टीम को वो डिले होता जा रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी अभी देखें इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है, ठीक है ना, पाकिस्तान को भी इंडिया से कुछ सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ तो सीखना चाहिए ना। बेसिकली बात पता क्या है कि जो पॉलिटिक्स हैं, जो सियासतदान है हमारे यहाँ, तो अगर वो करप्ट है ना तो उसके पीछे अवाम का हाथ है, ठीक है ना। अगर वो पैसा दे के जीत रहे हैं, ठीक है, अवाम क्यों पैसा ले रही है, ठीक है ना। अगर वो 5-5 हज़ार दे के एक वोट ले रहे हैं, अवाम दे रही है तो फिर ही वो ले रहे हैं ना। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अहसन। अहसन क्या करते हो आप? जी मैं बेसिकली ज़िम्मेदार हूँ लेकिन मैंने स्टडी भी की हुई है। ओके, आप ज़िम्मेदार भी हैं साथ में आपने स्टडी भी की हुई है। चलिए मेरा आज का सवाल ये कि एप्पल का जो स्टोर है वो इस वक्त मुंबई में ओपन किया गया है इंडिया के अंदर और काफ़ी ज़्यादा कह लें कि लोगों को मौके प्रोवाइड किए गए हैं जॉब्स वगैरह के और हर चीज़ वहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। रिसेंटली थर्सडे को भी एक एप्पल स्टोर ओपन होना है, वो दिल्ली में होगा। अब देखिए दो शहरों के अंदर इंडिया के स्टोर्स ओपन हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे एप्पल स्टोर हमें नज़र नहीं आता, क्या वजूहत है कि इंडिया इतना आगे बढ़ता जा रहा है? देखिए ना, इसमें दो चीज़ें मैटर करती हैं। एक तो हमारा ज़्यादा जो फोकस था, फर्स्ट हम अपना ज़्यादा बजट अपनी आर्मी के लिए सर्व कर रहे थे, ठीक है, और हम अपने आप को पीछे रख रहे थे और अपनी फ़ौज को ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए हम हर चीज़ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार थे। इसलिए एक वजह रीज़न ये भी है कि हम लोग पीछे रह गए हैं, ठीक है। लेकिन वो लोग इसको भी ले कर जा रहे थे और अपनी उन्होंने इकॉनमी को भी बेटर रखा है, और लेकिन हमारी इकॉनमी नीचे आने की वजह ज़्यादा ये है कि लोग अब फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। तो एप्पल फ़ोन जो है वो एक महंगा ब्रांड है, आप भी जानते हैं, हर बंदा ही जानता है,
ठीक है। और इंडिया के अंदर इसकी ज़्यादा वजह वजूहत ये हैं कि इंडिया में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे और वहाँ पे इकोनॉमी का अच्छा होना है, जबकि हमारे पास एजुकेशन का फुकदान एक उसकी बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि हमारे लोग पढ़े लिखे भी कम है, आईफोन को चलाना भी अच्छे तरीके से नहीं जानते। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आपने कहा कि एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, इंडियन ज़्यादा एजुकेटेड भी हैं, वहाँ पर आप यकीन माने कि लोग इतने खुश हैं कि एप्पल स्टोर ओपन हुआ है। काफ़ी सालों महीनों से ये डिले होता जा रहा था जो एप्पल स्टोर है इंडिया के अंदर, फाइनली मोदी ने परमिशन दी है तो वो ओपन हुआ है। वहाँ पर जाकर देखिए अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं इंडिया के अंदर, कितने लोगों को जॉब्स मिल गई हैं वहाँ पर। यहाँ पर पढ़े लिखे लोग भी सिक्योरिटी गार्ड्स की जॉब कर रहे हैं, भूखे मार रहे हैं, कुछ अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। इनफैक्ट हम इंडिया को फिर बुरा भला कहना शुरू कर दें। बिल्कुल जी, मेरे जानने वाले एक भाई हैं हमारे नबील गोराया साहब, वो यूएसए में होते हैं और उनका काम यही है, वो ब्रांचेज मुख्तलिफ कंट्रीज़ में एप्पल्स की लॉन्च करते हैं। अब वो मुझे रिसेंटली उनसे बात हो रही थी, वो मुझे बता रहे थे कि हम लोग इंडिया में और चंद कंट्रीज़ में दोबारा ऑन और ब्रांचेज जो हैं अपनी लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह यही है ना कि मतलब हमारा जो मुल्क है वो पीछे है, उसकी वजह ये है कि एजुकेशन का फुकदान है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अगर है तो चंद हमारी सोसाइटीज़ में है, जो हमारा मिडिल क्लास तबका है उसकी तो हम बात ही नहीं करते, जो रीढ़ की हड्डी है हमारा, लाइक जैसे किसान है या जो लो स्टैंडर्ड पाकिस्तान में स्ट्रगल करने वाला दिहाड़ीदार बंदा है। ठीक है, सबसे पहले तो उनको ये है कि हम अपना घर बार अपना निज़ाम को बेटर तरीके से चलाएँ, उसके बाद ये चीज़ें मोबाइल और गाड़ी और ये चीज़ें मैटर करती हैं। और इंडिया के अंदर ये है कि इंडिया में लोग एजुकेशन के साथ जॉब्स वगैरह तालीम का ज़्यादा होना और फोकस करना लाइफस्टाइल को बेटर से बेटर करने की कोशिश करती हैं, जबकि हम कहते हैं कि ठीक है जो है उसी में चलो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। सर, आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि हम देखें तो चाइना से शिफ्ट होती जा रही है बहुत सी कंपनीज जो कि इंडिया को टारगेट कर रही है, इंडिया पर ट्रस्ट कर रही है। अभी एक रिसेंट बहुत बड़ी न्यूज़ आती है कि जो कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होती थी आईफोन की, वो टोटली शिफ्ट हो गई इंडिया में। इंडिया में एक ऐसा प्लांट, एक ऐसी फैक्ट्री बन गई है जो कि 60,000 वर्कर इंडियन को जॉब्स मिल गई है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा और चाइना से भी डे बाई डे शिफ्ट होते जा रहे हैं इंडिया वाले? असल में पाकिस्तान के साथ इंटरेस्ट इस वजह से लोग भागते हैं, इन्वेस्टर्स ख़ास तौर पे, कि पाकिस्तान में एक स्टेबिलिटी नहीं है। कभी तो हुकूमत बिल्कुल सही चल रही होती है तो कोई ना कोई अनसर्टेन वाकया होता है और पता चलता है सब कुछ धर्म भरम हो गया। इस वजह से इन्वेस्टर्स का जो है ना पाकिस्तान से भरोसा उठ गया हुआ है। और चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया जाने की वजह? इंडिया में आपको पता है कि इंडिया से जब से इंडिया बना है तब से जो उधर की हुकूमत आती है अपना टाइम पूरा करती है, पूरा करने के बाद वो आगे भी नेक्स्ट भी उनकी आ जाती है अक्सर, लेकिन एक कभी 5 ईयर कभी 10 ईयर इस तरह करके लीडर्स को जब टाइम मिलता है तो वो काम करते हैं मुल्क के लिए। अगर हम देखें तो इंटेल एक कंपनी है, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि अमेरिकन कंपनी है, बहुत सालों से चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, रिसेंट उन्होंने शिफ्ट कर लिया इंडिया में, मतलब चाइना को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। क्या रीजंस है, क्या इस वजूहत से इंडियन इकोनॉमी बूस्ट और चाइना की जो इकोनॉमी है वो डाउन हो सकती है? अब उसका जो इशू जहाँ तक लगे उसमें तो अमेरिका का सिस्टम हाथ है वो सब में, क्योंकि अमेरिका इधर एशिया साइड पे इंडिया को सपोर्ट करता है, चाइना एक सुपर पावर बन रहा है तो चिप वाली जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उन्होंने चाइना से बंद करवा के इंडिया शिफ्ट करवाई है। वो क्यों अमेरिका इंडिया पे ही ट्रस्ट करके उसको सुपर बनाने के लिए कर इंडिया, बिकॉज अपना के पाकिस्तान के साथ वो जो एशिया में चाइना जो है वो ऊपर चला गया बहुत ज़्यादा, इंडियंस जो हैं वो अभी इतने ऊपर नहीं गए, तो अमेरिका उनके साथ है क्योंकि पाकिस्तान चाइना दोस्त हैं इस तरह करके और सारा सिस्टम है, तो वो कहते हैं कि इंडिया को हम ऊपर करें ताकि इंडिया के साथ हमारा सिस्टम चल सके। क्या रीजंस है जो कि पाकिस्तान 75 इयर्स में वो चीज़ों पे डेवलपमेंट नहीं कर सका, वो चीज़ें इंडस्ट्री लेवल मेड इन पाकिस्तान पर काम नहीं कर सकता, मैन्युफैक्चरिंग लोकल नहीं है? स्पेस की बात करें तब भी हम विद इन चाइना हेल्प करते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग देखें तो हमारी बाहर से चीज़ें आती हैं, संभल होती हैं। क्या आपको लगता है आने वाला फ्यूचर पाकिस्तान का और टाइम पीरियड कैसा गुजरेगा? आने वाला फ्यूचर पाकिस्तान का इंशाल्लाह, अगर अब काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चर आने लग गए हैं पाकिस्तान में, अगर ऐसे ही अब वर्किंग होती रहे, एक स्टेबिलिटी रहे मुल्क में, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है। पाकिस्तानी कोई कार कंपनी आप बता सकते हैं जो कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान हो? नहीं, लोकल कोई भी नहीं है।
क्यों नहीं है। अगर हम इंडियन देखें तो इंडियन बहुत ज़्यादा ऐसी हैं, कोई 10 मैं आपको बता सकती हूँ जिसमें इंडियंस का मेड इन पाकिस्तान, मेड इन इंडियन आते हैं। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे रेनॉल्ट की अपना टाटा है, काफ़ी ज़्यादा इंडिया की तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान की कोई भी नहीं है इधर। वही बात, स्टेबिलिटी। आने वाले टाइम पीरियड अच्छा लग रहा है इंडियंस के लिए, क्योंकि वो IMF ने ये क्लेम किया था कि जो आने वाला टाइम पीरियड है 10 से 20 साल वो इंडियंस के लिए इतना अच्छा होगा कि उनकी जो इकोनॉमी है वो सेकंड लार्जेस्ट बन जाएगी, क्योंकि UK को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है UK को बीट करके। क्या आपको लगता है IMF ठीक कह रहा है? IMF ठीक कह रहा है, इंडियंस आ जाएंगे क्योंकि वो अब वो एक लाइन पर चल पड़े हैं और उन्हें तो खराबी करने आ नहीं रहा, तो उन्होंने जाने ही जाने। क्या मैसेज देंगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी यूथ को कि हर टाइम सोशल मीडिया को ना देखा करें, अपना भी दिमाग इस्तेमाल किया करें, और हम लोग जो असल में सोशल मीडिया देख के हमें जिस तरफ लोग लगाते हैं हम उनके पीछे पीछे लग पड़ते हैं, अपना माइंड हम यूज़ नहीं करते, अपना माइंड यूज़ करें, बहुत हमारे में अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा हैं, अगर हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ऊपर जाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट के बारे में क्या ख्याल है, वो कैसा काम कर? इंडियन गवर्नमेंट में इंडियन गवर्नमेंट अच्छी गवर्नमेंट है, लेकिन उधर भी करप्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद उनमें कभी इस तरह का नहीं, उन्होंने अनस्टेबिलिटी मुल्क में नहीं कभी आने दी, तो इधर हम कभी करप्शन के बहाने कर देते हैं, कभी कोई बहाने कर देते हैं, बहाने करके हम मुल्क को अनस्टेबल कर देते हैं, उसकी वजह से सब मसले ख़राब होते हैं। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। सर इंडिया तो शुरू से ही आगे ना, अब सपोर्ट उसकी रशिया अमेरिका ठीक है, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ कर रही हैं, तो उसकी वजह से वो आगे जा रहा है ठीक है। हमें स्पोर्ट्स इसलिए नहीं कर रहे कि कुछ मामलात हमारे मुल्क के ख़राब हैं, कुछ सियासी लोग जो हैं ठीक है वो लेके हमें डूब गए हैं, यही रीज़न है ज़्यादा कि हमारा मुल्क स्टेबल नहीं हो रहा ना किसी भी सूरत में। लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों रशिया अमेरिका सऊदीया या दूसरी कंट्रीज जो हैं वो उसे सपोर्ट कर रही हैं, हमें नहीं कर रही? वो गैर मुस्लिम होने की वजह से उसे सपोर्ट कर रही हैं। अगर हम अपने अरब कंट्रीज़ को देखें तो वो भी इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है, बढ़ चढ़ के ट्रेड। ये भी है अब सऊदीया जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है ठीक है, पाकिस्तान को बहुत कम कर रहा है, वो तो मुस्लिम कंट्री, उसकी वजह मुस्लिम कंट्री है ना, क्यों कर रही है? ठीक है, वो शुरू से ही कर रहे हैं, वो तो आज की बात तो है नहीं है ना, वो तो शुरू से ही कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं हर लिहाज से ठीक है। कुछ मामला तो हमारे ही हैं कि हमारे हुक्मरान यहाँ के सही नहीं है, मेन वजह यह है कि यहाँ पे हुकूमत करने वाला जो भी आता है ठीक है वो अपनी जेबें भरता निकलता है, इस वजह से भी हमारा मुल्क बदनाम है पूरी दुनिया में ठीक है, मेन रीज़न ये है। दुनिया की अगर हम देखें तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है इंडिया, IMF ने कहा है कि 2040 या 50 तक इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है दुनिया में, 5वीं बड़ी माशियत अभी है, पाकिस्तान तो 5वें में भी नहीं आता, नीचे से 10वें में भी नहीं आता। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान आने वाले टाइम पीरियड में कहाँ देखते हैं? बहुत नीचे जाएगा ठीक है, हालात दिन ब दिन लोगों के ख़राब होते जा रहे हैं, यही अगर हुकूमत का जो सीन जो है चल रहा है यही रहा तो हम तो महज 100 साल और पीछे जाना है, हमने आगे नहीं जा सकते हम। और इंडियंस का फ्यूचर? इंडियन के फ्यूचर इसलिए है कि वो स्टेबल हैं हर लिहाज से ठीक है, हुकूमत के लिहाज से वो स्टेबल हैं ठीक है, माशियत के लिहाज से भी वो स्टेबल हैं, हर लिहाज से वो आगे हैं। आपको कि जैसे हमारी जितनी भी सऊदी अरेबिया या फिर अरब कंट्रीज़ हैं वो सब इंडियंस को सपोर्ट करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करनी है, आपको पता है ट्रेड एक ऐसी चीज़ है जिससे जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होती है, ऊपर जाती है, आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट ना आने की वजह से हमारा मुल्क में जो क्राइसिस है वो बढ़ते जा रहे हैं? और अब भी अगर हम देखें तो मोहम्मद बिन सुलेमान जिन्होंने आना था पाकिस्तान लेकिन वो नहीं आए, क्या रीज़न थी कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की अनस्टेबिलिटी? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी ना आने से क्या हमारी माशियत ज़्यादा डाउन होगी, क्या इंडियंस जो हैं वो ज़्यादा हुकूमत करेंगे दुनिया पर? इंडियन तो हुकूमत तो वो एक अलग सिलसिले की हुकूमत करेंगे, दुनिया पे तो हुकूमत नहीं करेंगे और अपने आप को वो स्टेबल करेंगे, हम लोग इसलिए नहीं कर सकते, हमें आज दिन तक कोई इंसान का बच्चा हुक्मरान मिला ही कोई नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है ठीक है। अभी देखें आप धरनों की वजह से वो सऊदी अरब से वो आना था सलमान ने वो नहीं आए ठीक है, ये मामला शुरू से ही रहे हैं, कुछ गिराने वाली कंट्रीज़ हैं हमें कि वो उनकी कोशिश यही है कि ये आपस में लड़ते रहें ठीक है, उसका फ़ायदा पाकिस्तान को ना हो। आपको लगता है कि जैसे चाइना से आहिस्ता आहिस्ता सारी इंडस्ट्री सारी जो कंपनीज हैं वो इंडिया में जा रही है, चाइना को आने वाले टाइम में इंडिया के साथ सुपर पावर देख रहे हैं? नहीं,
इंडिया के साथ वो कभी भी नहीं जाएगा। नहीं, इंडिया को सुपर पावर देख रहे हैं। सुपर पावर तो है ना, पहले से ही है, वो तो आप छोड़ें इस बात को। अभी तक यही मानते हैं कि चाइना सुपर पावर है, अमेरिका सुपर पावर है। क्या आपको लगता है चाइना, अमेरिका और इंडिया भी अब इनके साथ रिजीम में आ जाएगा? नहीं, उस नहीं आ सकता, नहीं आएगा। नहीं, चाइना ने, आपको एक बात बताऊं, चाइना ने हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए एक मुहिम चलाई थी, नो मनी नो हेल्प फ्लड में। उन्होंने ये कहा था कि नो मनी नो हेल्प, आप हमें पैसे नहीं दोगे, आप हमें पैसे नहीं दोगे तो हम आपको मदद नहीं करेंगे। लेकिन चाइना ने इंडिया को कहा था कि आप हमारे साथ करो। अभी G20 की मीटिंग में भी चाइना के जो शी जिनपिंग है और इंडिया के नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी काफ़ी सलाम दुआ किया, अच्छे ताल्लुकात हुए। क्या रीजंस हैं जो कि वो चाइना भी उनकी तरफ ही जा रहे हैं? लेकिन हमें छोड़ा नहीं है, हमें छोड़ा नहीं है, नहीं है। ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारी दुनिया को पता है कि यहाँ पे हम स्टेबल इसलिए नहीं हो सकते कि हमारी हुकूमत कोई भी कायम नहीं हो सकती। ठीक है, जो मामलाते हैं, हुकूमती मामलाते हैं, वो पूरी दुनिया में जहाँ भी वो अरूज पे जाएंगे, वहाँ पे ये हुकूमती जो हुक्मरान बैठे हुए ना, वो स्टेबल रहेंगे, तब जाके ये मामलात जो हमारे मुल्क के हैं या किसी भी मुल्क के हैं, वो आगे बढ़ते हैं। हम शुरू से ही पीछे इसलिए रह रहे हैं कि कभी अब वाकया जो इमरान खान वाला, ठीक है, पूरी दुनिया में हमने बदनामी उठाई है ना, किसी और ने तो नहीं उठाई। ठीक है, ये भी चीज़ें दुनिया देख रही है कि हम कर क्या रहे हैं। हम देखें ना तो दुनिया में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं हुआ, क्योंकि आज भी हम USA की बात मान। कन्फर्म है, वो तो कन्फर्म है, आप खुद ही देख लें। जिनकी हम, वो इमरान खान अब कह रहा है कि फलां फलां फलां, ठीक है, उसी तरह हम भी इस बात को जानते हैं। पढ़ा लिखा तबका हर एक बंदा वो ये जानता है कि हमें चलाने वाले कोई और हैं। ठीक है, जब हमारे सिस्टम को ही चलाने वाला कोई और होगा तो हम कैसे तरक्की करेंगे? ऐसे डे बाय डे अमेरिका और इंडिया की दोस्ती बढ़ रही है। अमेरिका हमारे लिए इतना बेनिफिट नहीं देता जितना कि इंडिया के लिए देता है। क्या आपको लगता है दोनों मिलके हम लोगों के ऊपर क्या करेंगे? हमारे ऊपर क्या करेंगे, हम दिन ब दिन नीचे ही जा रहे हैं और नीचे ही जाते रहेंगे। वालेकुम अस्सलाम सर, गुड नेम उसामा। उसामा सर, आज हम आपके बारे में, आपसे ये सवाल करने आए हैं कि आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना की बजाय अब इंडिया में प्रेफर की जा रही है, एक मेगा हब बनाया जा रहा है, एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाया जा रहा है बेंगलोर के पास, और वहां पर जो है 60,000 इंडियंस को जो है जॉब अवेलेबिलिटी भी दी जाएगी। क्या कहेंगे इसमें? मैं यही कहूंगा कि देखें, ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान भी अवेल कर सकता था, लेकिन आपको पता है जिस तरह से हमारे यहाँ पे टैक्स हैं, अब हम मोबाइल लेते हैं, ठीक है, पहले हम फोन लेते थे आईफोन, तो हमें 50-60,000 का पड़ता था, अब जिस तरह PTA टैक्स आ गया ऊपर, ठीक है, आपको वही फोन जो 50-60,000 का है वो 80-90,000 का, मतलब आम बंदे के लिए तो फोन लेना मुश्किल हो गया ना। ऊपर से यह है कि जब बाहर की जो कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल है एप्पल है, वो यहाँ पे आके अपना कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस खोलती है तो गवर्नमेंट उसमें अपना इंटरेस्ट देखती है, फिर वो जाहिर सी बात है उनको भी होगा यार कि हमें भी फायदा हो, पाकिस्तान को भी फायदा हो, लेकिन अगर ज्यादा पाकिस्तान अपना फायदा देखेगा फिर तो डेफिनेटली कोई यहाँ बिजनेस नहीं करेगा। अच्छा सर, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास बहुत ज्यादा बिजनेस जा रहा है, आईफोन की बात करें, सैमसंग की बात करें और बहुत सारी कार मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही है, क्यों? उसकी रीजन यही है ना कि देखें, वो लोग अगर देखा जाए तो काम, मतलब काम में वो लोग अच्छे हैं, IT में अब आप देख लें, इवन के गूगल का जो CEO है वो भी इंडियन है, ठीक है। अब उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे हमारी, मतलब जो गवर्नमेंट है ना, वो हमारे मसलों से ही नहीं निकलती, जैसे लॉकडाउन लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, लॉन्ग मार्च पे चले जाओ, ठीक है, टेक्नोलॉजी की तरफ कोई बात ही नहीं करता। और इवन कि अगर आप सॉफ्टवेयर हाउसेज में भी देखें तो वहाँ पे भी कोई नए आइडिया पे काम नहीं करेगा, ठीक है, उनका बस ये है कि हमारी जो प्रोडक्ट चल रही है इसको चेंज करते जाओ और चलाते रहो। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान, और जिस तरह से आप देखें अमेजोन पे पाकिस्तान के अकाउंट बने और लोगों ने फ्रॉड करना शुरू कर दिया, हम खुद अपना इमेज जो है बाहर की कंट्रीज के लिए ख़राब करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल है कि मैं अगर मैं अपने घर में, मेरा इमेज ख़राब है, ठीक है, लोगों को पता है यार ये अच्छा बंदा नहीं है, तो कोई भी बंदा मेरे घर नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है, बाहर वाले भी कहेंगे यार इसके घर ना जाना, ये बंदा ठीक नहीं। तो होता ही है कि फॉर एग्जांपल है कोई बंदा ये भी सोचता है ना कि यार पाकिस्तान में काम करूँ, दूसरे लोग उसको कह देते हैं नहीं यार ये मुल्क ठीक नहीं है, यहाँ ना काम। तो क्या इंडिया का इमेज इतना अच्छा हो गया कि दूसरे लोग रिकमेंड भी करना शुरू हो गए? क्या पता किसी और मुल्क ने रिकमेंड कर दिया, ठीक है, जिनके साथ उनका अच्छा ताल्लुक होगा उन्होंने कहा हो इसको। लेकिन सर अगर हम इसी चीज को देखें तो ऑलरेडी जो है तमिलनाडु के अंदर जो है लग चुके हैं आईफोन के, और आईफोन 14 वहाँ पर असेंबल होना शुरू भी हो चुका है, तो इस बारे में अगर हम बात करें, उसके बाद IT की अगर हम बात करें तो इंडिया की IT भी तो हम क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया ने अब इतना ट्रस्ट डेवलप कर लिया है कि अब किसी की रिकमेंडेशन की जरूरत ही नहीं है? बिल्कुल ऐसी बात है, उन्होंने अपना ट्रस्ट डेवलप किया है और आप देख लें कि वहाँ पे आईफोन भी असेंबल हो रहा है, तो ये चीजें हो रही है। पाकिस्तान के बारे में क्या कहेगी, पाकिस्तान को कहाँ पर काम करने की जरूरत है, कितना ज्यादा आगे जाना है? पाकिस्तान को बस ये देखें, पाकिस्तान के अंदर ना इंडस्ट्रीज को डेवलप होने की जरूरत है, मतलब ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो देखे यार कि हम बाहर के, अब जिस तरह पेपाल यहाँ पे नहीं आया,
उनको चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ ऐसी बिजनेस डील करें कि जिनमें उनको भी पता हो कि यार हम काम करेंगे तो हमें ज्यादा लॉस नहीं होगा। यही मैं कहूंगा। थैंक यू सो मच उसामा सर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल ये है कि आईफोन का एक मेगा यूनिट बनाया जाने वाला है इंडिया के अंदर, वहां पर 60,000 जॉब की अपॉर्चुनिटीज अवेल की जाएंगी इंडियंस को, तो आपके बारे में, आपके ख्याल में इंडिया ने इतना ट्रस्ट डेवलप कर लिया है कि फॉक्सकॉन जो कि इंडिया आईफोन मैन्युफैक्चरिंग एक यूनिट है, वो जो है इतना ट्रस्ट कर रहा है इंडिया को, वहां पर यूनिट्स लगा रहा है और इसको चार गुना बढ़ाने का भी सोच रहा है, क्या कहेंगे? इस बारे में यही कहूंगा कि इंडियन जो है ना इस टाइम आईटी में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया। उनकी आप एजुकेशन कह लें, उनके स्किल्स डेवलपमेंट कह लें, जितने भी उनके स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वो पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। और दूसरी फिर वहाँ पर पाकिस्तान वाली इन्फ्लुएंस ही नहीं है, अभी उधर एक ही गवर्नेंस है जो अभी तक वहाँ पर जो है ना मूव ऑन कर रही है, पिछले 8 साल से 9 साल से जो है ना एक ही गवर्नेंस कर रही है, और इस चीज़ का भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है एक कंट्री पे, एक स्टेट पर। दूसरी वो दुनिया की इस टाइम सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, ठीक है, और दूसरा पाकिस्तान में कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तानी आवाम ने ही अपने जो है ना ट्रस्ट इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा क्या कह लें पीछे कर दिया है, कि लाइक हम खुद पर्सनली जो भी है ना लाइक अमेजोन है, अमेजोन पाकिस्तान में है, अमेजोन पहले आते साथ बहुत ज़्यादा चला, लेकिन पाकिस्तानियों की अपनी मोनोपोलीज की वजह से वो अमेजोन बिल्कुल नील होकर रह गया। जेफ बेज़ोस ने अमेजोन के कितने अकाउंट्स पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिए, और इससे पहले अगर आप जाएँ 90s में, तब माइक्रोसॉफ्ट के जो हमारे ऑनर हैं इधर बिल गेट्स, वो पाकिस्तान में यूनिट लगाना चाह रहे थे, लेकिन हमारे जो ऊपर बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ बैठी हैं उन्होंने अपनी जेब भरने के लिए, अपनी जेब भरने के अपने कमीशन के चक्करों में ये जो एक मौका बहुत ज़ाया किया मैंने। उन्हीं दिनों के अंदर 3 से 4 दिनों के अंदर इंडिया ने ये ऑफर अवेल किया। 1.5 बिलियन था आई थिंक जो रेवेन्यू था स्टार्ट कर रहे थे एसेट जो थे, और वो तकरीबन 5 से 10 सालों के अंदर उन्होंने 110% अचीव किया। ये क्यों किया? क्योंकि वहाँ पर उन लोगों में भूख है, ठीक है, उन लोगों में कह लेंगे बिल्कुल चाह है, और इसलिए यही वजह है कि उधर ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो रहे हैं आईटी से रिलेटेड, मोटर बाइक्स या मोटर मैकेनिक व्हाटएवर जितनी भी चीजें हैं उससे रिलेटेड वहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज। आईटी की जब हम सर बात करते हैं तो आईटी में इंडिया को हम अब क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, बट पाकिस्तान के साथ तो कंपैरिजन हम लोग नहीं करेंगे, तो अगर हम लोग कंपैरिजन करें चाइना के साथ, तो चाइना पर अब ट्रस्ट इश्यूज डेवलप होना शुरू हो गए हैं, लोग जो है क्वेश्चन करना शुरू हो गए हैं, लेकिन इंडिया पर देखें तो इंडिया मेड इन इंडिया को, और इंडिया जो है डेवलप भी बहुत ज्यादा कर रहा है मेड इन इंडिया को, और आईफोन जैसी एक कंपनी जिसको लोग जो है आइडियलाइज करते हैं, ठीक है, वहां पर जब मेड इन इंडिया लिखा जाएगा और पूरी दुनिया में उसको भेजा जाएगा तो इंडिया कहाँ चला जाएगा, कितना बड़ा जाइंट बन जाएगा? बहुत बड़ा जाइंट बन जाएगा बिल्कुल। ये आप देख लें कि इंडियन इंडस्ट्री इस टाइम हर लिहाज से पाकिस्तान से बहुत आगे है, तकरीबन कह लें 7 times बिगर देन पाकिस्तान इंडिया। और जब आईटी में आईफोन खुद प्रमोट करेगा इंडिया को और वहाँ पर मेड इन इंडिया लिखा जाएगा, पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान को हम खुद प्रमोट भी कर रहे हैं, मेड इन पाकिस्तान को हम लोग हर चीज बाय से इंपोर्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान की बात करें, मेड इन पाकिस्तान की बात करें तो हम खुद बीइंग पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तान को लोकल समझते हैं। ऑब्वियसली हम लोग इस चीज को लोकल समझते हैं, हम लोग इवन हम चाइना को प्रमोट कर लेते हैं, हम इवन हम बांग्लादेश को प्रमोट कर लेते हैं, हमारी यहाँ से गंदुम, अगर गंदुम की बात की जाए वो यहाँ से अफगानिस्तान जाके अफगानी उनको प्रमोट कर रहे हैं, हमारी गंदुम है, हमारा पैसा है, हमारे किसानों का पैसा लगा हुआ है, उसको प्रमोट कर रहे हैं अफगानी, ठीक है, वो आगे बेच रहे हैं हमारी गंदुम, इंडिया हमारा नमक आगे बेच रहा है, ठीक है, और हमारी जितनी भी टेक्सटाइल्स हैं, और साउथ एशिया में सबसे हैवी टाइम टेक्सटाइल जो है पाकिस्तान की है, ठीक है, उसको पाकिस्तान यहाँ से जाता है मेड इन पाकिस्तान लिखा था, लेकिन जब बाहर जाता है या यहाँ से एक्सपोर्ट होता है लाइक कह लें जिस टाइम शिपमेंट होती है कराची से, उस टाइम वहाँ से टैग हटा दिए जाते हैं मेड इन पाकिस्तान के, वो जिस कंट्री में जाता है बेल्जियम में जाता है मेड इन बेल्जियम बन जाता है, इटली में जाता है मेड इन इटली बन जाता है, वट एवर आप टॉवल ले लें, वट एवर आप कोट ले लें, वट एवर जैकेट्स ले लें, कुछ भी ले लें, हम खुद प्रमोट नहीं कर रहे, इसमें सबसे बड़ा जो कह लो कसूर है वो हमारा अपना है। सर मेजर फ्लॉ क्या है हमारा, पाकिस्तान ग्रो क्यों नहीं कर रहा, हमारे ऊपर फुल स्टॉप क्यों लग गए? नो प्लीज, इकतदार का लालच, ठीक है, लेग पुलिंग, ये तो आखिर सॉल्यूशन कब मिलेगा हमें, हम लोग आगे कब बढ़ेंगे, हम लोग एक साथ कब होंगे? हम सब कहते हैं 14 अगस्त की बात कर ली जाए, इंडिपेंडेंस डे हो गया, पाकिस्तान डे हो गया, इस परचम के साए तले हम एक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक नहीं। ये रियलिटी है ना, बीइंग ए यूथ, मैं खुद इस चीज को देखो, मैं खुद इस चीज को निगलेक्ट करता हूँ यार, अगर मुझे अगर
गुची मिल जाए, अरमानी मिल जाए, मैं उसको प्रमोट करूंगा। मैं यहाँ से पाकिस्तान की सफायर की चीज़ नहीं प्रमोट करूंगा और कोई भी चीज़। ये फिर ये इसका ये जो फ्लो है कभी खत्म नहीं हो सकता, कमिंग 50 ईयर्स में, कमिंग 60 ईयर्स में कभी भी ये फ्लो खत्म नहीं हो सकता। तो ये दैट्स इट। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे।